साथियों, हमारे साथ में मुसद्दर हुसैन जी हैं जो आसाम से हैं और आसाम में जो किसान सभा है उसके कोषाध्यक्ष हैं। असम के अंदर किसानों का किस तरीके का प्रॉब्लम्स है उसको बताइए। असम का किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका गवर्नमेंट। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, हाल ही से 6 से 7 साल हुआ है उसका, वो जितना बेनिफिशियरी स्कीम है वो उधर में उसका पार्टी बिल्डअप करने के लिए वो यूज कर रहा है। एक पीएम किसान एक स्कीम था, वो पीएम किसान में जितना घोटाला हुआ है वो इंडिया में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। खुद जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है पार्लियामेंट में, उसने एडमिट किया है पार्लियामेंट में कि उधर में 1000 से ऊपर करोड़ का घोटाला हुआ है और जो हिताधिकारी है वो सो भुआ है, फेक है। और हम लोग जितना हम लोग को मालूम है उस बेसी से बेसी वो पार्टी का सपोर्टर है, उन लोग को ये सब दिया हुआ है। जो ओरिजिनल किसान है उन लोग को नहीं मिल रहा है वो, तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट खुद एक किसान के लिए एक प्रॉब्लम है। दूसरा बात है जो अभी नया नया कुछ कानून ले रखा है एक गाय के बारे में, कैटल जो एक्ट है हाल ही में उसको अमेंड किया हुआ है। उसके लिए क्या हुआ है, जो गाय का जो बाज़ार वो पूरा बंद हो रहा है, इसलिए जो स्ट्रेस काउ है उन लोग प्रॉब्लम हो रहा है। और जो खाली वो दूध से उसको दूध उत्पादन करना पड़ रहा है, वो गाय बिक्री नहीं कर सकता है, गाय बाज़ार बंद हो गया है, तो उसका ऊपर एक बोझ हो गया है जो गाय को उसको पालना पड़ रहा है, वो तो एक दूसरा हो गया। तीसरा है कि अभी जो हर समय जो कोई बात आएगा उधर में सिर्फ खाली कम्युनल प्रोपोगंडा, जो वो हो रहा है वो बांग्लादेशी है, उन लोग मियाँ हैं। और देख हम लोग को जो हम एक्सपीरियंस है वो ज़्यादातर ये जो बंगाली ओरिजिनल मुस्लिम्स लोग है जो खेतीबाड़ी करता है, उन लोग असम का जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को उन लोग पूरा से एक परिवर्तन कर दिया है। तो जहाँ एकदम पूरा माने बाम एरिया बोलता है, जो पानी रहता है उसमें उन लोग खेती करता है, जहाँ दूसरा लोग खेती नहीं कर सकता है उधर में उन लोग खेती करके असम को असम का इकोनॉमी का एक फला फुला उन लोग कर दिया है। लेकिन उन लोग का ऊपर इल्ज़ाम है कि उन लोग अवैध घुसपैठ है, ऐसा ये इसलिए कर रहा है। अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान उन लोग का है, अगर उन लोग आगे अभी दिल्ली में मूवमेंट हो रहा है, अगर उन लोग मूवमेंट में आ जाएगा तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अभी एग्रीकल्चर लेबर उन लोग से निकल रहा है, एग्रीकल्चर लेबर कन्वर्ट होकर उन लोग शहर में जा रहे हैं, शहर में अभी उन लोग मजदूरी उन लोग कर रहा है। अगर उन लोग अगर ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो पूरा सिस्टम ये हो जाएगा। अगर उन लोग का साथ बाकी जो सेक्शन है, असामीज पीपल है, बाकी अदर सेक्शन है, ट्राइबल्स है, उन लोग का जो गरीब आदमी है, कृषि मजदूर है, खेतहार है, उन लोग सब एक साथ हो जाएगा तो असम का पूरा सिचुएशन अलग हो जाएगा। क्योंकि आज से कितना साल पहले असम में जो पॉलिटिकल इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा था, लेफ्ट जो विधायक का संख्या बहुत बेसी बढ़ गया था, लेकिन उसी समय ऐसा आ गया बांग्लादेशी इशू आ गया और आने के बाद ये जो यूनिटी था कृषक का अंदर, जो लेबर फोर्स का अंदर, जो ट्रेड यूनियन का अंदर जो यूनिटी था, वो यूनिटी को धक्का लगा हुआ है। और इसलिए ये अभी जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट का जो इंटरेस्ट रखने वाला जो सरकार है, उन लोग ये जो ये है प्रोपोगंडा उन लोग हवा दे रहा है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बाकी तो है जो बोला है गवर्नमेंट खुद ये जो पीएम किसान का घोटाला किया हुआ है, बाकी दूसरा क्या बहुत घोटाला अभी चल रहा है। और बाकी अभी खाद में जो हम लोग नामरूप जो कारखाना है माने ये सार का, उधर में क्या देखा गया है, जो उधर से खुद ऑफिसर्स लोग सिंडिकेट का साथ मिला हुआ है और उधर से जो यूरिया है, यूरिया निकल के ब्लैक में सेल हो रहा था। उधर का यूनियन कितना ट्रक पकड़ के पुलिस का हवाला कर दिया था। अभी जो ऐसा सिंडिकेट जो असम में सिंडिकेट बीच में था, लेकिन एक समय बंद हो गया था, थोड़ा एक्शन था उसका ऊपर, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद नया नया सिंडिकेट शुरू हो गया। अभी वो खाद का ऊपर में सिंडिकेट है, बहुत सारे जगह में सुपारी में, अभी सुपारी
कासार डिस्ट्रिक्ट में सुपारी का बहुत बड़ा प्रोडक्शन था, और उन लोग वो उसका ऊपर ही वो बहुत कुछ परियाल माने फैमिली निर्भर करता था। अभी क्या हुआ है, बर्मा से जो अवैध सुपारी है वो आ रहा है, और उसको पकड़ने का नाम में ये जो ओरिजिनल जो सुपारी प्रोड्यूसर है उन लोग को हरास किया जा रहा है, उन लोग का सेल बंद हो गया है और उन लोग अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसा घटना हो रहा है। इसलिए हमारा तो ख्याल है जो ये सरकारी इसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, और तो अभी जो तीन काला कानून आया था किसी का ऊपर और दूसरा ऐसा कुछ आ रहा है, ये सब तो पॉलिटिकल है और एंटी फार्मर्स है, और ये सब तो अगेंस्ट तो कृषक को तो फाइट करना ही पड़ेगा। ये सब अगर फाइट नहीं करेगा, उन लोग को नहीं हटाएगा, तो कृषक को इस सब के बारे में भुगते रहना पड़ेगा। अभी वहाँ पे किसानों के बाद जमीन का एवरेज क्या होगा, कितना जमीन होगा किसानों का? किसान सबसे बड़ा असम का प्रॉब्लम है, 1960 से असम का जो कृषि भूमि है उसका कोई सर्वे नहीं हो रहा है। अभी असम में बाढ़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इरोजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए अभी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो सोराई वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो कृषि लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड वो ब्रह्मपुत्र के अंदर वो बहुत सारा ये हो गया, इसलिए अभी बहुत उधर से जो लोग माटी खो दिया है उन लोग अभी दूसरा जगह जा रहा है, और उन लोग को बोला है घुसपैठ। अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये सर्वे करके जो खेती करता है उन लोग का पास में जगह माटी नहीं देगा, तो असम का प्रोडक्शन में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी एक डिमांड है जो असम में एग्रीकल्चर लैंड का पूरा सर्वे होना चाहिए, और जो खेती करता है उन लोग का हाथ में माटी देना चाहिए, और जो अवैध घुसपैठ जो लैंड एनक्रोचमेंट का नाम में जो अभी उच्छेद चल रहा है उच्छेद बंद करना पड़ेगा। अभी आप खाली में आप लोग को मालूम है धौलपुर में जो हुआ था, जो बहुत बड़ा एक उच्छेद हुआ था, उस सारा वर्ल्ड में उसका रिएक्शन हुआ था, ऐसा तो बहुत घटना अभी होने जा रहा था, लेकिन उसमें उस रिएक्शन के लिए अभी थोड़ा अभी बंद हो रहा है, लेकिन उसका बारे में तो असम का कृषक लोग फाइट करना पड़ेगा, और भारत का सारा कृषक उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो जैसे आपने बोला कि जो जानवर हैं वो छोड़ रहे लोग, मतलब जानवरों का वो कर दिया, तो खेती में जानवर परेशान कर रहे हैं? खेती में अभी तक इतना बेसी नहीं हो रहा है, आदमी लोग खुद वो पाल रहा है, लेकिन असम का और एक प्रॉब्लम है जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो जो हाथी उन लोग का जगह कम हो गया है, जगह कम होने के बाद अभी जो हम लोग पेडीफिल है वो घुस आता है, और सरकार कुछ नहीं कर रहा है, और सरकार का काम क्या है, वो खाली सोलर फेंसिंग करता है, हाथी आता है तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो चला जाता है, ऐसे बहुत इंज्योर हुआ है हाथी और बहुत मरा भी हुआ है, ये तो इनह्यूमन है। हम लोग को खेती बाम को बसाना है, लेकिन हाथी का नुकसान करके नहीं। अभी एक तरीका हम देखा है जो ट्राइबल जो फार्मर्स है उन लोग के क्या कर रहा है, बहुत बड़ा ज़मीन 200 बीघा ज़मीन फसल उगाया है खाली खेत हाथी को खिलाने के लिए, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी था गवर्नमेंट का, लेकिन करना पड़ रहा है फार्मर्स किसान खुद। गवर्नमेंट को एक सस्टेनेबल पॉलिसी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।